दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। आज मेरे पास Realme 6 मौजूद हैं और अगर आप Oppo या Realme या कोई और ऐसा ब्रांड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा कि इसमें कुछ लिमिटेशन होती है फ़ॉन्ट्स की। अगर आप फ़ॉन्ट्स इसमें इस्तेमाल करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो ज़्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलती। मैं अगर थीम स्टोर में जाता हूँ, वाईफाई कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे जैसे इस वक्त मेरे सेट पे जो फॉन्ट्स मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा बाकी नहीं है। अगर मैं यहाँ मज़ीद टैप करता हूँ तो वही 6 आपको यहाँ नज़र आएंगे। आप मज़ीद जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पार्टी फॉन्ट्स, अगर इससे भी ज़्यादा लिस्ट आपको चाहिए तो उसके लिए हम अपने Oppo या Realme या फिर Huawei फ़ोन पे किस तरह हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी फॉन्ट्स किस तरह हम डाउनलोड करके अपने Realme, Oppo या Huawei किसी और ब्रांड पे सेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक या टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और साथ में बनी बेल आइकन को भी क्लिक या टैप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर नई आने वाली वीडियो की और आप देख सकें क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। सबसे पहले जो काम करना होगा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में, आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च पे लिखिएगा Z फॉन्ट, Z FONT, इस पर टैप कीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन पे। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो बैक कीजिएगा, उसके बाद आप सेटिंग्स में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा और डेट एंड टाइम पे टैप कीजिएगा और यहाँ यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम जो है इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा। उस देख लीजिएगा कि टाइम जोन जो है वो आपके कंट्री के से सेट हो ऑटोमेटिकली। अगर वो सेट ना हो तो आप अपनी कंट्री से जो आपका जोन है उसको सेट लाजमी कर दीजिएगा। वैसे हमेशा मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो है टाइम जोन सेट होता है, तो यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम जो है उसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा, बैक कीजिएगा, दोबारा बैक करके लैंग्वेज एंड रीजन में आइएगा, टैप करके रीजन जो है वो चेंज कर दीजिएगा और ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है MYANMAR माई एन मार है जो भी है इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। राइट, बस आप बैक कीजिएगा, बैक कीजिएगा। अब आप जो आपने एप्लीकेशन अभी डाउनलोड की है, जो मैंने डाउनलोड की है, उसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। Z फॉन्ट ओपन करें, एप्लीकेशन को अलाउ कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा इसको, तो आपको एड्स देखने को मिला करेगी, इसको साथ साथ में क्लोज कर दिया कीजिएगा। यहाँ देखिएगा आपको बहुत सारे फॉन्ट्स नज़र आएंगे। अब आप यहाँ ऊपर जो माई एंड मार लिखा हुआ है इस पर टैप कीजिएगा और एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी आपको फॉन्ट्स की। अगर आप देखते रहें, स्क्रोल डाउन करते रहेंगे तो बहुत बेशुमार आपको मुख्तलिफ तरह तरह के फॉन्ट्स नज़र आएंगे। अब इसमें से जो आपको फॉन्ट अच्छे लगे, जो खूबसूरत लगे, उसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एज यूजुअली ऐड आएगा, बैक कर दीजिएगा, आप इस पर डाउनलोड पे टैप कीजिएगा, अगेन ऐड, क्लोज करें। जब डाउनलोड कंप्लीट फ़ौरन हो जाएगी उसके बाद सेट पे टैप कर दीजिएगा। यहाँ आपसे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस पूछ रहे हैं, सैमसंग, Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo एंड Realme, सिस्टम मोड, रूट चाहिए इसके लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपका जो फ़ोन हो आप उस पर सेलेक्ट करें, जैसे मेरे पास Realme है तो मैं Oppo एंड Realme पर टैप करूँगा। अब यहाँ देखिएगा थीम फॉन्ट सपोर्ट डाई करेक्टर्स बेस्ट, जो आपका मेरा जो मोबाइल है वो है Realme, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस पर लिखा हुआ सपोर्टेड कलर ऑपरेटिंग सिस्टम Realme UI ऑल्सो Android 10। ठीक है जी, मेरा सेट Realme 6 जो है वो Android 10 पे है, मैं इस पर टैप करूँगा। फॉन्ट नीड टू बी इंस्टॉल, यस ओके कर दीजिएगा, सेटिंग्स पे जाके इसको अलाउ कर दीजिएगा, बैक कीजिएगा और इंस्टॉल पे टैप करें, ऐड है, क्लोज कीजिएगा। अब यहाँ पे आप अपने रीजन चेंज कर दिया है, लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ करनी पड़ेगी। अब आप इस पे होम स्क्रीन पे जाइएगा और सेटिंग्स पे दोबारा जाएं, आप डिस्प्ले में जाइएगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और स्क्रोल डाउन करके नीचे आए,
जो फॉन्ट और डिस्प्ले साइज के नीचे आपको सपोर्ट डाई करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। जब आप टर्न ऑन करेंगे देखिएगा फॉन्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अब ये एज इट इज़ रहेंगे जब तक आप चाहते हैं कोई और आपको अगर फॉन्ट डाउनलोड करना हो तो वो आप उसी वही सेम तरीके का है डाउनलोड करने का। अब वो चाहे आप मेन्यू हो या फिर आपका SMS हो या आपके WhatsApp के जो मैसेजेस हो, सब में जो है आपको तमाम फॉन्ट्स हर जगह पे चेंज हो जाएंगे। आप दूसरा कोई फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं Z फॉन्ट पे टैप करें। इसी तरह यहाँ पर आइएगा और जैसे फ़र्ज करें मैं ये वाला डाउनलोड करता हूँ, इस पर टैप कीजिएगा, डाउनलोड पे टैप करें, सेट पे टैप कीजिएगा, वही सेम मेरा रियलमी है, इसको मैंने ओपन किया और सपोर्ट डाई करेक्टर्स वगैरह इस पर टैप कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, यहाँ पर आप चेंज फोन पे टैप कर दीजिएगा और ये इसके डिस्प्ले ब्राइटनेस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सिंपली आपको नीचे आके सपोर्ट डाई करेक्टर को एक बार ऑफ करना है, फिर दोबारा टर्न ऑन करना है, देखिएगा फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप चाहें तो फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बड़ा कर दीजिए तो मज़ीद जो है वो फॉन्ट बड़े हो जाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। तो ये एक तब्दीली और चेंज आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन जब आप इसके जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो आपने यूज़ कर लिए हैं और कोई फ़ॉन्ट आप चाहते हैं कि थोड़ी सी मुझे आँखों को अच्छा लगे, थोड़ा हटकर लगे, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। आप जब तक इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज एंड रीजन में जाके रीजन को आपने चेंज कर दिया, दोबारा अपने जो कंट्री रीजन है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। अगर आपने रीजन को वही रखा जो मैंने आपको अभी बताया है, तो आपके फॉन्ट जो है दोबारा से वही हो जाएंगे जो आपने पहले सेलेक्ट किए थे। और इसके लिए सिंपली आपको एक बार डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाके स्क्रोल डाउन करके सपोर्ट डाई करेक्टर को टर्न ऑन करना ज़रूरी है। जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये फॉन्ट एज इट इज़ रहेंगे। क्यों दोस्तों, अच्छा लगा आपको? अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ओप्पो या रियलमी या फिर हुवावे सैमसंग या कोई भी फ़ोन में आप इस तरह फॉन्ट चेंज करना चाहें, खूबसूरती के लिए तब्दीली चाहते हैं, तो ये तरीका बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आजमा के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।